जब मैं उस जगह पे थी ही नहीं, फिर भी मेरे पे आरोप आ गए कि मैं वहाँ थी, तो ये तो लोगों के कहे हुए आरोप हैं। तो विश्वास था कि कभी ना कभी तो इसमें से रास्ता निकलेगा और मुझे न्याय मिलेगा। February 8 को तो एक्चुअली पूरे गुजरात बंद का ऐलान था, और 27 को जो साबरमती ट्रेन में हुआ था बर्निंग, उसकी वजह से मैं एज MLA असेंबली गई थी, विधानसभा में गई थी। वहाँ 8:30 से लेके 8:40 तक तो हमारी असेंबली सेशन चला था, और वहाँ विजुअल में मैं खड़ी हुई दिखाई भी दी गई थी कि मैं खड़ी हूँ वहाँ। उसके बाद मेरे को 2-3 काम थे वहाँ असेंबली बिल्डिंग में ही, मिनिस्टर्स के यहाँ, तो मैं वहाँ थोड़ा बहुत काम भी मैंने निपटाए थे। मेरे जो को मेरे साथ MLA थे अमरीश भाई, उनसे काफ़ी मेरी बातचीत हुई थी। उसके बाद मैं निकल के नीचे आ गई थी, लगभग 9 तो बच चुके थे क्योंकि 8:40 असेंबली चली थी। उसके बाद मेरे पे मेरे एरिया के किसी कार्यकर्ता का फ़ोन आया था कि 16 सिविल हॉस्पिटल में वो जो डेड बॉडीज ला रहे हैं गोधरा से, उसमें हमारे एरिया के भी कुछ लोग थे, उनकी डेड बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही हैं, तो मिल नहीं रही हैं, तो आप थोड़ा आके हेल्प करिए, बींग अ डॉक्टर एंड बींग MLA बोथ, तो जल्दी थोड़ी डेड बॉडी हमें मिल जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट गांधीनगर से, नेचुरली गांधीनगर से 16 सिविल हॉस्पिटल ही ऑन द वे आएगा, तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ काफ़ी 1.5 घंटा मैं रुकी थी, वहाँ जो डेड बॉडी आइडेंटिफाई करवानी थी, हैंडओवर करवानी थी, वो सारी प्रोसीजर की थी हम लोगों ने। फिर वहाँ मॉब था, जो वो मॉब ऑलरेडी बहुत ही एक्साइटेड और एंगर में था, तो उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। और उसी टाइम अमित भी शाह भी वहाँ आए थे, जो अभी प्रेजेंटली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस टाइम सिर्फ MLA थे सरखेज के, तो वो भी वहाँ आए थे, और हम दोनों को पूरे मॉब ने घेर लिया था। तो वहाँ उस टाइम तो जो PI थे, उन्होंने एस्कॉर्ट करके हमें पुलिस की वैन में बिठा दिया था, पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया था, और कहा था आप निकल जाओ, ये मॉब का कोई भरोसा नहीं है। तो हम दोनों को गाड़ी, पुलिस की गाड़ी में बिठा के लेके गए थे, और फिर अमित भी शाह बीच में ड्रॉप हो गए थे, और मेरे को RTO सर्कल तक ड्रॉप किया था पुलिस वैन ने। और उसके बाद में अहमदाबाद जो सिविल हॉस्पिटल है SR बाबा, वहाँ गई थी, क्योंकि इंजर्ड लोग पूरे सिटी में से काफ़ी आ रहे थे। तो वहाँ फिर से वो अमरीश भी वहीं थे ऑलरेडी, अमरीश भी पटेल जो SR के MLA थे, वो भी वहीं थे। हमने दोनों ने मिल के वहाँ पूरे इंजर्ड के लिए डॉक्टर से बात की, उनके रिलेटिव से बात की। तो क्यों हो रहा है वो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, कि जब 2002 की घटना है और लोगों को उन्होंने काफ़ी सुप्रीम में भी एफिडेविट्स की थी, कहीं पे भी मुझे इन्वॉल्व नहीं किया था, उन सब लोगों के पास काफ़ी माध्यम था अगर मेरे को इन्वॉल्व करना था, तो 6 साल में नहीं किया, और क्यों किया गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद बहुत ही असमंजस में थी कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर हुआ था, इफेक्ट हो रहा था। नेचुरली है, साइकिक तो इफेक्ट होगी ही होगी, डिप्रेशन होगा, बहुत डिप्रेशन आ गया था मेरे को। काफ़ी टाइम मुझे डिप्रेशन में सिविल में एडमिट भी रहना पड़ा था, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए थे, और काफ़ी मेरी जो हेल्थ डाउन हुई थी। धीरे 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 मैंने अपने आप को समझाया था, काफ़ी स्पिरिचुअल लीडर्स ने मुझे गाइड किया था। फर्स्ट रिएक्शन यही हुआ कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, और सत्य की हमेशा जीत होती है, तो भगवान पे जो विश्वास था उसमें और दृढ़ता आ गई है। दुनिया को जो कहना है कहे, मेरी आत्मा ने कभी भी अपने आप को दोषी माना ही नहीं है,
तो आत्मा से बड़ा तो कोई जज हो नहीं सकता है। जी नहीं, कभी नहीं, जी नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। आपको हमेशा ऐसा रहा है कि बीजेपी का हमेशा मुझे समर्थन रहा, सहयोग रहा, मेरे साथ हमेशा उनका मोरल सपोर्ट रहा है जी। कभी भी बीजेपी ने मुझे साइडलाइन नहीं किया। देखिए ऐसा है कि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो 3-4 दिन में फ्यूचर प्लान तो मैंने कुछ अभी डिसाइड किया ही नहीं है। बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर से बात कर रहे हैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं, शुरू से मैं कार्यकर्ता थी और अभी भी हूँ। और बीजेपी का जो सही कार्यकर्ता होता है वो कभी सक्रिय निष्क्रिय हो ही नहीं सकता है, हमेशा सक्रिय रहता है, जहाँ रहता है पार्टी का काम ही करता है। पार्टी जब जब जहाँ जहाँ बोलेगी वहाँ मैं काम करूँगी ही करूँगी।